हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एस एन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2020 की सबसे महंगी किस्म धान की किस्म बिकने वाली। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि 2020 में कौन सी ऐसी प्रजाति थी, कौन सा ऐसा धान था जो सबसे महंगा बिका है। तो इसके बारे में पूरी आपको जानकारी मिलेगी कि आप इसको लगा करके कितना इसका दर मिल पाएगा और किस समय पर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं और किस समय पर आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। ऐसे करके आप अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा दर मिलेगा, अच्छी आपको इसका प्राइस मिलेगा, तब आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे और अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। तो 2020 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किस्म के बारे में हम बात करेंगे किसान भाइयों। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें होती हैं सभी किसान भाई तक पहुँच सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो किसान भाई, 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो किस्म थी वो थी शबनम 3000। किसान भाई, शबनम 3000 जो प्रजाति थी, तो ये 3500 के आसपास, 3500 रुपये क्विंटल के आसपास ही 2020 में बिकी और ये सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली किस्म थी धान की। तो किसान भाई, अगर आप शबनम 3000 का धान की रोपाई करते हैं, तब आप एक अच्छा दर ले सकते हैं और अच्छा प्राइज अपने धान से ले सकते हैं। अगर आपको प्राइज अच्छा मिलेगा तो किसान भाई आप ज़्यादा मुनाफा ले पाएंगे। किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि शबनम धान की प्रजाति किस समय पर हमें लगाना चाहिए, कब हमें इसकी नर्सरी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कब डालना चाहिए। तो किसान भाई, इसका जो नर्सरी डालने का सही समय है वो है हमारा 20 जून से लेकर 25 जून पे आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और इसकी जो रुपाई करने का समय है वो 15 जुलाई के आसपास आप इसकी रुपाई कर सकते हैं। किसान भाई, एक चीज़ इसमें और है कि आपको इसमें जो दर है वो दर बहुत ही अच्छी आपको निकल के मिलने वाली है। इसकी दर करीब 25 से लेकर 27 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिलने वाली है और बहुत ही अच्छी दर ये दे सकती है आपको, 25 से 27 क्विंटल। और इसका जो प्राइस है, मैंने आपको पहले बताया था, ये 3500 रुपये प्रति क्विंटल पिछले साल इसका प्राइस रहा था। और किसान भाई, एक चीज़ और है इसमें कि ये कौन सी मिट्टी में हो सकती है। किसान भाई, ये जहाँ पर भारी मिट्टी होती है वहाँ पर आप इसका रोपाई करने के बाद अच्छा दर ले सकते हैं। और किसान भाई, इसमें एक और चीज़ है आपको जो ध्यान रखना है। किसान भाइयों, आपको जहाँ पर इसका जो रुपाई करें, तो किसान भाइयों आपको इसमें अधिक पानी देने की आवश्यकता है। अगर आप कम पानी करेंगे, कम सिंचाई करेंगे, तब ये अच्छी दर आपको नहीं मिल पाएगी। तो आपको इसमें अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप अधिक सिंचाई कर सकते हैं, तब आप शबनम 3000 का नर्सरी डाल सकते हैं और उसके बाद इसकी रुपाई कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अन्य धान के मुकाबले इसकी जो उपज है काफ़ी अच्छी उपज है और इसकी जो दाने कल्ले की जो संख्या है किसान भाइयों, वो अन्य धान से ज़्यादा है और इसकी जो कल्ले की जो संख्या है करीब 35 से 30 कल्ले एक मुड में इसकी निकलते हैं। और इसकी जो दाने की संख्या में बताऊँ तो 150 से लेकर 300 के आसपास इसकी दाने की संख्या एक बाली में होती है। इसकी बाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लचीली और गुच्छेदार होती है और इसके जो दाना होता है एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम भरा हुआ आपको दिखाई देगा। तो किसान भाई, आशा करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको पूरी जानकारी दी शबनम 3000 के बारे में कि आप किस प्रकार इसकी रोपाई कर सकते हैं और किस प्रकार आप इसकी कितने समय के बाद आपको इसकी नर्सरी लगाना है और कितने समय के बाद आप इसको रोपाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ किसान भाई, मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।